गाइज इज़ आशा वेलकम बैक टू माई चैनल हैश टैग स्टाइल है सो आज का वीडियो है बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर विंटर तो ऐसा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही सालों से यूज़ होता आ रहा है और वो मल्टीपर्पज़ मॉइस्चराइजर रहेगा मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं कौन से भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ यूज यानी कि एक मॉइस्चराइजर लोगे वो आपको सारे पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा लाइक फेस क्रीम एज अ हैंड क्रीम एज अ लोशन एज अ हेयर मास्क एज अ फेस मास्क एज अ क्रैक फ्री क्रीम बहुत सारे काम हैं मैं तो ऐसे एफोर्डेबल क्रीम बताऊँगी जो कि बहुत ही एफोर्डेबल उसके साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ पैसा बचाओ और बेस्ट रहेगा विंटर के लिए जो हर एक के पास तो होना चाहिए विंटर सीजन में जो बेस्ट काम आता है तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो में चाहते हैं क्या है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ नीविया का मॉइस्चराइजर जो कि एफर्डेबल बेस्ट मल्टीपर्स ऑल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब नीचे एक छोटा सा बेल बटन होगा उसे बीट करें उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो चले गए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर जो तो विंटर टाइम आती है ना जब जैसे विंटर आता है मुझे एक मॉइस्चराइजर की याद आती है वो है यही ये यह है नीविया मॉइस्चराइजर जो कि हर विंटर में मुझे इसकी याद आ जाती है क्योंकि एज अ मॉइस्चराइजर ही नहीं एज अ बॉडी लोशन एज हैंड क्रीम फुट क्रीम सब का काम कर देता है तो मुझे ऐसा एक मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जो मल्टीपर्पज़ हो एफोर्डेबल हो तो ये वाला प्रोडक्ट जो ये वाला जो मैंने लिया ये बड़ा साइज का मैंने लिया क्योंकि मैं इतना यूज़ करती हूँ आप चाहे एफोर्डेबल रेंज में चाहे तो टी फाइव रुपीज़ का भी एक छोटा सा टिन आता है नीविया का ही ब्लू कलर का छोटा सा टिन आता है जिसमें आपको थर्टी एम मिलती है आप वो परचेज़ कर सकते हो ईजीली आपके दो महीना आपका दो महीने का जो विंटर है वो ईजिली उससे निकल जाएगा अगर आप उसे फेस में यूज़ करें तो सो ये दस साल के ऊपर कोई भी यूज़ कर सकता है उसके साथ ही साथ मेल फीमेल को भी यूज कर सकते हैं और कोई भी सीजन में यूज़ करता है जरूरी नहीं विंटर में और सारे स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑयली हो तो उतना अमाउंट लीजिए अगर आप ड्राई हो तो ज़्यादा अमाउंट लीजिए अपने अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप वो अमाउंट बढ़ाते जाइए सो so, तो इसलिए मैं ओ, बड़ा वाला ली हूँ अगर आप चाहे आप छोटा वाला ले सकते हो अगर आपको सिर्फ ट्राई करके देखना है मॉइस्चराइजर कैसा काम करता है तो आप छोटा वाला लेके एक बार ट्राई करके देख सकते हो उसके बाद आप बड़ा वाला कुछ इस तरीके से ले सकते हो ये वाला जो है ये इसका जो प्राइस है वो टू में लिया है और इसका जो एम है वो है टू हंड्रेड जिसको मैंने परचेज किया अमेजोन से और तो अमेजॉन से मैंने परचेज़ किया डिस्काउंट में मुझे मिल गया था तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको लेना है तो अमेजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए

थोड़ा कम अमाउंट लीजिए अगर आप बहुत ही ऑयली स्किन हो अगर आप ज़्यादा ही ड्राई स्किन हो तो आप ज़्यादा अमाउंट लीजिए तो ईजिली आप कुछ इस तरीके से करोगे तो कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व हो जाएगा आप देख सकते हैं पिक क्रीम ईजिली ऑब्जॉर्व हो जाता है उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ग्लो आता है कुछ इस तरीके से मेरे हाथ में अभी एक ग्लो आया है तो इसका स्मेल जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसका फेगनेंस बहुत ही हैवी नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा एक नॉर्मल एक सिंपल सा फेगनेंस है जो बिल्कुल भी हैवी नहीं है ईजी है तो इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हो और उसके साथ ही साथ ये मल्टीपर्पज़ क्रीम है मल्टीपर्पज़ किस तरीके से लाइक like आप इसको ये एफोर्डेबल क्रीम को अगर आप फोटी फाइव रुपीज़ का लेते हो तो भी ये क्रीम को आप एज़ अ फ़ेस पैक यूज़ कर सकते हो कोई कोई एज़ अ फेस पैक कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करके यूज़ करते हैं आप चाहिए तो उसको एज अ बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपका हेल्प हो और नी ना सबसे ज़्यादा ड्राई होती है उस जगह पर आप इस मॉइस्चराइजर तो को अप्लाई करोगे तो वो जगह बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और सफल हो जाता है तो आप आपके नी और एल्बो में भी आप इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर सकते हो उसके साथ ही साथ आप एज ए हेयर पैक भी यूज़ कर सकते हो कोई कोई पैक यूज़ कर सकता है मैं आज तक कभी पैक में कभी ये निविया क्रीम को नहीं यूज कर रही हूँ तो मैंने नहीं यूज़ किया बट मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग करते हैं बट मैंने नहीं किया है तो उसके अलावा एज अ मॉइस्चराइजर तो है क्रैक्ड हील है अगर आपका क्रैकड हील है एक्सट्रीम लेवल सीवियर कंडीशन नहीं बोल रहे नॉर्मल क्रैक्ड हील है तो आप इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करके एक सॉफ्ट ले पेन लोगे ओवरनाइट उसको रहने दोगे अर्ली मॉर्निंग आप उठकर देखोगे तो आपका जो क्रैकनेस है वो कम होने लगेगा और आपका फिट जो है बहुत ही सॉफ्ट और सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ हो जाएगा क्रैकनेस भी निकल जाएगा अगर आपका स्किन बहुत ही रफ ड्राई और डीहाइड्रेटेड है तो आप इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हो आपका फेस जो कंप्लीटली वो हाइड्रेट हो जाएगा जो रफनेस है वो भी चले जाएगा उसके साथ ही साथ आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा एक ग्लो आ ये जाएगीटोलॉजिकली टेस्टेड है और सारे सीजन में आप इसको यूज कर सकते हो मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकते हो इसको आप एज अ नाइट क्रीम एज अ क्यूटिकल क्रीम भी यूज कर सकते हो नाइट में आप अप्लाई करके आप सोओगे तो अर्ली मॉर्निंग आप उठ के देखोगे आपका स्किन जो है ना बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और मॉइस्चराइज हो जाएगा और एज अ क्यूटिकल क्रीम भी आप इसको यूज कर सकते हो यानी कि आप जब मैन्यू करना चाहते हो तब उस टाइम पे आपको अगर लगे आपके नील्स थोड़ा थोड़ा ऐसा आपके नेल्स में थोड़ा थोड़ा ऐसा रफनेस है थोड़ा सा इस क्रीम को अप्लाई करके थोड़ा देर रहने देके उसके बाद आप क्यों करोगे तो बहुत ही अच्छा आपके ब्यूटीफुल को स्मूथ और सॉफ्ट बना देता है उसके साथ ही साथ अगर आपका स्किन बहुत ही रफ डल है तो ये बहुत ही आपके स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है आपका लिप्स बहुत ही ड्राई है तो लिप्स क्रैक्ड हो रहे ड्राई हो रहे तो एज अ आप लिप बाम भी इसको यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छा एक लिप बाम का भी काम करता है यानी कि एक क्रीम मल्टीपर्पज़ वे इसको किस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो तो हो गया ना एफोर्डेबल और बेस्ट विंटर सीजन के लिए सो तो यही मेरा रियल वाला विंटर सीजन में जब ऐसी विंटर सीजन आता है तो ये मॉइस्चराइजर यूज़ करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ही नहीं मैं मोम यूज़ करती हूँ ये वाला क्रीम क्योंकि वो इतना एफोर्डेबल इतना मल्टीपर्पज़ वे में ये काम करता है सो तो ये क्रीम के बारे में बताया सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है उसके साथ ही साथ इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और सेकेंड थिंग ये कंप्लीटली एफोर्डेबल साइड में आता है और ये तो मेरा बहुत टाइम चल जाएगा अगर आप छोटा वाला लेते हो टी फाइव रुपीज़ वाला वो आपको टू मंथ विंटर निकाल ही देगा और उसके साथ ही साथ उसमें एक एक बेस्ट बात है कि सारे मतलब मल्टीपर्पज यूज हो जाता है सिर्फ एक ही सीजन नहीं कौन से भी सीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हो चलिए मैं अभी आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करके दिखाती हूँ थोड़ा सा कॉइन साइज आपको लेना है आपके फिंगर टिप्स में और थोड़ा सा फिंगर टिप्स में अच्छे से इसको रब कर लेना है देन आपके फ़ेस में अप्लाई करके अच्छे से मसाज करना है फिंगर टिप्स के ही थ्रू अच्छे से मसाज करना है जब तक ये अच्छे से ऑब्जॉर्ब ना हो जाए आपके स्किन में तब तक आपको मसाज करते ही रहना है और ईजिली ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा एक ग्लोनेस भी देता है ये मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले आपके फेवरेट फेस वॉश से आपको फेस वॉश करना है देन ये मॉइस्टर से अप्लाई करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें फिर नीचे एक छोटा सा बिल बटन होगा उसे भी हिट करें, उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा